हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का MCSA के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TGT PGD की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, बम्पर सीटों के साथ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और आप सभी लोग, ऐसी आशा है मेरी कि अपनी तैयारियों पे लग चुके होंगे बेहतर तरीके से। आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए जो गत वर्ष आई हुई परीक्षाएँ हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक समुचित व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जिस क्रम में हम लोगों ने इंग्लिश के वीडियोस और नागरिक शास्त्र के वीडियोस उपलब्ध करा दिए हैं टेस्ट पेपर्स के। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हैं। वो सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, जिसमें हम लोग इसमें PGT के प्रश्नों को देखेंगे, लास्ट ईयर आए हुए प्रश्नों को, साथ ही साथ TGT के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, TGT PGT की बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो हमें जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाना है, तो उससे पहले अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से समुचित रूप दे देना है। वो तभी हो पाएगा जब लास्ट ईयर के प्रश्न पत्रों को हम अच्छी तरीके से समुचित व्याख्या कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक समुचित व्याख्या के साथ जो आपको प्रश्नों के सॉल्व दिए जाएं, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 60 से 65% प्रश्न पिछले वर्ष आई हुई परीक्षाओं से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है कि आपको रिवीजन होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज आप लोगों के एक नया सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग प्रवक्ता परीक्षा 2013 भूगोल की प्रश्न पत्रों के साथ उपलब्ध सम्मुख हैं आपके, और आज इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी शेष प्रश्नों के लिए अगले वीडियोज़ में हम लोग डिटेल करेंगे। आइए दोस्तों, समय व्यर्थ किए बिना अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? तो आप इसमें देखिए, आर्थर होम है, टूजो विल्सन है, ये दूजो नहीं है, टूजो विल्सन है दोस्तों, दूजो विल्सन या टूजो विल्सन, ठीक है। तो ये हैं आपके, और इसके अलावा क्या है, लीप चिपे पिचो हैं, और उसके बाद हैरी हेस हैं। तो आप जान लीजिए कि कनाडाई, ठीक है, कनाडाई भूगोलशास्त्री भूगर्भशास्त्री टूजो विल्सन जो हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। याद रहे आपको, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कनाडाई भूगर्भशास्त्री टूजो विल्सन हैं, ये रहे हैं, दूजो विल्सन या टूजो विल्सन इनका नाम है, ठीक है। ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, जैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, प्लेट शब्द का प्रयोग दूजो विल्सन ने किया है, और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है दोस्तों? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, मतलब जो है सिद्धांत का प्रतिपादन या शब्द का प्रयोग, सबसे पहले ये प्लेट विवर्तन की शब्द का, यहाँ पर शब्दों की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, प्लेट शब्द का कनाडाई वैज्ञानिक भूगर्भशास्त्री दूजो विल्सन ने किया है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात करेंगे तो मॉर्गन महोदय हैं, कौन है, मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और जानते हैं प्लेट क्या होती है। प्लेट जो है आपका स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहा जाता है। किसे? स्थलीय दृढ़ भूखंडों को, स्थलीय दृढ़ जो भूखंड हैं, दृढ़ भूखंडों को ही क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेट, ठीक है, स्थलीय भूखंडों को ही प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके मैंने कहा कि जैसे स्थल दृढ़ खंडों को ही प्लेट कहा जाता है, और प्लेटों की कुल संख्या, लगभग मोटाई जो होती है वो 33 किलोमीटर होती है दोस्तों, 33 किलोमीटर होती है लगभग करीब में, ठीक है। और ये प्लेटों को अगर बात की जाएगी कि इतने भागों में बांटा गया, तो 7 मुख्य भाग हैं प्लेटों के, 7 मुख्य प्लेटें हैं, और प्लस इसके साथ ही साथ 6 छोटी प्लेटें भी जोड़ी गई हैं, मतलब 6 छोटी प्लेटें हैं और 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो इस तरह से कुल टोटल प्लेटों के बारे में आपने जानकारी कर ली। टूजो विल्सन के बारे में देखा, इन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, और साथ ही साथ प्लेट विवर्तन की शब्द के बारे में मॉर्गन ने इसके बारे में प्रयोग किया था शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। शब्द हैं जियोग्राफिया जनरेलिस नामक पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो ये वारेनियस की हैं, ये जर्मनी के भूगोल वेत्ता थे। वारेनियस महोदय जो है वो जर्मनी के भूगर्भ वेत्ता थे, कहाँ के थे, जर्मनी के भूगर्भ वेत्ता थे,
और इनकी जो रचना रही है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक रही है जिसका नाम था सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल इनकी पुस्तक का नाम था, सामान्य भूगोल। इस पुस्तक को इन्होंने दो भागों में, पुस्तक के दो भाग किए गए थे, दो भागों में बांटा गया था। पहला एक था सामान्य भूगोल, और जिसे ही सामान्य भूगोल को ही इन्होंने नाम दिया था विश्व भूगोल। सामान्य भूगोल को ही विश्व भूगोल भी कहा जाता है, विश्व भूगोल, ठीक है, सामान्य भूगोल को ही विश्व भूगोल कहा जाता है। और दूसरा था विशिष्ट भूगोल। क्या था? विशिष्ट, याद रखिएगा, विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल को ही क्षेत्रीय भूगोल के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय, याद रखिएगा, क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल नाम दिया था इन्होंने। और एक बात जान लीजिए, सामान्य भूगोल के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, गणित और ब्रह्मांड के बारे में, गणित, ठीक है, गणित और ब्रह्मांड के बारे में, किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, गणित और ब्रह्मांड के बारे में बात किया था। और जबकि विशिष्ट भूगोल में इन्होंने भौतिक एवं, विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत क्या किया था, भौतिक एवं मानवीय पहलुओं पर चर्चा की, मानवीय पहलुओं पर बात कही गई थी। ध्यान रखिएगा कि सामान्य भूगोल के अंतर्गत गणित और ब्रह्मांड के बारे में बात की गई थी, और विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत क्या किया गया था इन्होंने, भौतिक और भौतिक यानी भौतिक भूगोल, एक तरह से कहिए भौतिक भूगोल का भौतिक पक्ष और मानवीय पहलुओं पर से संबंधित बातें कही गई। सामान्य भूगोल इनकी पुस्तक थी जिसको दो भागों में बांटा गया था, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के नाम से आप उसको जानते हैं। विशिष्ट भूगोल को ही क्षेत्रीय विवरण भूगोल भी कहा जाता है, क्षेत्रीय भूगोल या क्षेत्रीय विवरण भूगोल के नाम से, और सामान्य भूगोल को विश्व भूगोल, विश्व भूगोल के अंतर्गत आपका जो है, या सामान्य भूगोल के अंतर्गत आपका इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया गणित और ब्रह्मांड का किया था, ठीक है, और बाकी शेष जो विशिष्ट भूगोल था इसके अंतर्गत जो है भौतिक एवं मानवीय पहलुओं पर संबंधित रिलेटेड है इससे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, देखिए धरातल है आपका, धरातल के नीचे जमीन के अंदर जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है सबसे पहले, वो कहलाता है भूकंप मूल कहलाता है दोस्तों, भूकंप मूल, इसे इंग्लिश में फोकस कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इंग्लिश में फोकस शब्द कहा जाता है। और ये भूकंप सबसे पहले धरातल पर जिस जगह महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र कहा जाता है, इसे इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं, एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है जहाँ पर भूकंप अनुभव किया जाता है धरातल पर, तो धरातल पर कहाँ किया जाएगा, भूकंप केंद्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ स्थलाकृतियाँ सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यूगोस्लाविया में मिलता है, ठीक है। काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है दोस्तों? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया आप जानते हैं कि ये जो है आपका यूगोस्लाविया, जो देश के जो पश्चिमी तट पर, एड्रियाटिक सागर का नाम आपने सुना होगा, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर ये स्थित है, ठीक है। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया कहाँ स्थित है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाए कि और यूगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर कौन है? एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर जो तट है, यानी कि जैसे यूगोस्लाविया, आप मान लीजिए ये यूगोस्लाविया आपका पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है आपका एड्रियाटिक सागर, ठीक है, एड्रियाटिक सागर। तो यूगोस्लाविया के जो पश्चिमी तट है ना दोस्तों, यूगोस्लाविया का पश्चिमी तट के सहारे जो है कास्ट प्रदेश मिलते हैं, कौन से प्रदेश? कास्ट प्रदेश, ठीक है, कास्ट प्रदेश, कास्ट प्रदेश यहाँ पर मिलते हैं आपको। और कास्ट प्रदेश के लिए खासियत ये होती है कि ये जो इनकी जो शैलें बनी होती है लाइम स्टोन की होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन शैलें मिलती हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा हो जाएगा यूगोस्लाविया, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? निश्चित तौर से आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है, ठीक है। वैसे देखा जाएगा किस भूगोल की शाखा है, मानव भूगोल की शाखा है 100%। वैसे देखा जाए भूगोल को तो दोस्तों कई कालखंडों, कई भागों में इसको विभाजित किया गया है। वैसे मूल रूप से भूगोल की दो प्रधान शाखाएँ हैं, जिसे मूल रूप से अगर बात करेंगे, मूल रूप से भूगोल की दो शाखाएँ हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहला है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, पहला भौतिक भूगोल है, दूसरा है मानव भूगोल,
मानव भूगोल। यहाँ पर पूछा है आर्थिक पहलुओं के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत गणित है, ब्रह्मांड है, ये तमाम सारी चीज़ें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रक्चर के वगैरह तमाम सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं भौतिक भूगोल के। मानवीय भूगोल यहाँ बात करेंगे, चूँकि आर्थिक पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में इससे। तो इसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल, कौन सा? सांस्कृतिक भूगोल, मैं भूगोल बोलता जा रहा हूँ, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल, आवासीय भूगोल, कृषि भूगोल, ये तमाम सारी चीज़ें जो है मानवीय भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत आपकी आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, और भी कुछ चीज़ें नाम करके आ जाएगा तो एग्जाम में उम्मीद है कि आप लोग अब सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संस्थान का उद्योगों से संबंधित गलत जोड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखिए कि कौन सा उद्योगों से संबंधित गलत जोड़ा है। तो क्या कह रहा है, टीटागढ़ जो आपका है जूट उद्योग से संबंधित है, यानी यहाँ पर एक स्पेस ऐसा होना चाहिए दोस्तों, मुंबई लोहा उद्योग है, कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग है, और धारीवाल जो है ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर। तो सभी तो करेक्ट है दोस्तों, ये करेक्ट है आपका, कोरबा भी करेक्ट है, एल्युमिनियम है, धारीवाल जो है ऊनी वस्त्र के लिए, मुंबई जो आपका है दोस्तों ये औद्योगिक नगरी है, इस्पात उद्योग के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गलत है ये, बाकी सारे कूट सही हैं, ठीक है। मोनालोवा कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको मालूम होगा मोनालोवा हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए विश्व में लगभग 500 प्रकार के दोस्तों, मतलब 500 सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के, ठीक है, सक्रिय। और इसकी खासियत क्या होती है, सदैव इनसे क्या होता है, धूल जो है धुआं वाष्प वगैरह जो है गैसें वगैरह हमेशा निकलती रहती हैं, राख निकलती रहेगी, मैग्मा निकलता रहता है, मैग्मा ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, और जो है चट्टानी लावा वगैरह, तमाम सारी चीज़ें निकलती रहती हैं सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। अब सवाल यहाँ पे पूछता है कि कौन से इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आता है, यहाँ पर जैसे पूछा था कि मोनालोवा कहाँ का द्वीप है, उसी तरह से पूछ लेगा ओजस डेल सोलाडो कहाँ का है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली चिली की सीमा पर स्थित है, ये आपका मिलता है ओजस डेल सोलाडो, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछता है, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि माउंट इरेबस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, माउंट इरेबस ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है अंटार्कटिका, तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है आपको, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, और आशा है कि आपको एक्सप्लेन भी अच्छे समझ में आएगा। भारत में निम्नलिखित मित्रों नहीं होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मित्रों लिख दिया है शब्द, मिट्टी में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो रेगुर मिट्टी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी मानी जाती है किसके लिए, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी, इसे काली मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और इसी मिट्टी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम, ये याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चरनोजम, कभी कभी उष्णकटिबंधीय की जगह पर आपको दे देगा ट्रॉपिकल चरनोजम, वही बात, ठीक है, कहीं कहीं सरनोजम भी लिख करके आ जाएगा, तो बात वही है, ट्रॉपिकल चरनोजम, ठीक है, ओके। ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और भी कुछ चीज़ें जान लीजिए इसके संदर्भ में, अगर आप जान ही रहे हैं तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लोहे की, ठीक है, लोहा, चूना, कैल्शियम, ठीक है, पोटास, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें कमी किसकी होती है ये भी ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, फास्फोरस की कमी मिलेगी आपको, और जैविक पदार्थों की कमी इसमें मिलती है, किसकी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है? तो
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने कहा है अस्थल रचना प्रतिफल किसका प्रतिफल का परिणाम है, तो इसमें इसने किसने कहा है आप लोग जानने, डेविस महोदय ने किया है, डेविस महोदय, डब्ल्यू एम डेविस ने कहा है, डेविस महोदय जो कि ने संकल्प, ये संकल्पना जो है 1899 ईस्वी में प्रतिपादित की थी, और इस संकल्पना ने उन्होंने बताया था कि जो अस्थल रूप है क्या है, अस्थल जो रूप अस्थल संरचना जो है ये किसका परिणाम है, संरचना प्रक्रम, ध्यान रखिएगा तीन शब्द है, संरचना प्रक्रम तथा समय, समय संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल है, क्या है अस्थल जो है ना, ये अस्थल जो है वो किसका फल प्रतिफल है, क्या है संरचना का प्रक्रम का समय का, इन तीन शब्दों का मतलब यूज किया इन्होंने, इसी को ही, इसी अस्थल संरचना जो इनका सिद्धांत है, इन्होंने कहा अस्थल संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल है, इसे ही डेविस महोदय का त्रिकूट सिद्धांत कहा जाता है, त्रिकूट सिद्धांत, त्रिकूट सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा त्रिकूट सिद्धांत किसने दिया था, तो डब्ल्यू एम डेविस महोदय ने दिया था, कब दिया था 1899 ईस्वी में दिया था, त्रिकूट सिद्धांत में इन्होंने किन किन शब्दों की व्याख्या की है, तो संरचना प्रक्रम और समय की बात की है, यही त्रिकूट सिद्धांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में गोवा में कौन सा स्थित है जलप्रपात, तो जान लीजिए दूध प्रपात जो है ये मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है, और कहाँ पर मिलता है, गोवा में मिलता है। ठीक है, भारत के गोवा में है, मांडवी नदी पर स्थित आपका ये जलप्रपात आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित समुद्री धारा में कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, तो धारा कौन सी नहीं, अगुलहास की जलधारा है, ये आपकी हिंद महासागर की जलधारा है दोस्तों, हिंद महासागर अगुलहास की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा है, इसके अलावा मोजाम्बिक की धारा भी हिंद महासागर की जलधारा है, और इसके अलावा फिर आपकी दक्षिणी हिंद महासागर जो धारा है यह भी आपकी है, बेगुला की जलधारा ये अटलांटिक महासागर की है, अटलांटिक महासागर की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, ये कहाँ चलती है आपकी, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बेगुला की जलधारा जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, गोखुर झील को जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोखुर झील को किन नामों से जाना जाता है, तो बिल्ला बोग के नाम से भी जाना जाता है, मोर्ट झील के नाम से भी जाना जाता है, बायु के नाम से भी जाना है, सभी के नाम से जाना जाता है गोखुर झील को, ये नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आप गोखुर झील ही क्यों जानते हैं, खुर झील के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको बिल्ला बोग और मोर्ट झील और साथ ही साथ बायु झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन नामों से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है, तो जानते हैं कि जहाँ पर उन्नत देश रहते हैं वहीं के समुद्री मार्ग सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे, यूरोप और अमेरिका के मध्य का जो मार्ग है सबसे उन्नत मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है सबसे उन्नत मार्गों की श्रेणी में आता है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करता तो स्वेज नहर हो जाता। ठीक है, और अगला कह रहा है अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है, देखिए सारे महासागरों की औसत गहराई क्या है, 3800 मीटर है। ठीक है, 3800 मीटर है, लेकिन जो आपका अटलांटिक महासागर है ये पिछता थोड़ा सबसे ज़्यादा गहर है, गहरा है, तो इसका नाम है ये जो आपका है 3900 मीटर गहरा है। ठीक है, 3900 मीटर गहरा है, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठंडी जलधारा के बारे में, किस ठंडी जलधारा का किनारी ठंडी धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो जान लीजिए कि आप अटलांटिक महासागर में देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी प्रवाह है दोस्तों ना, वो क्या होता है जो है यूरोप से होता हुआ, ठीक है, यूरोप के पश्चिमी हिस्से से होता हुआ, और आपका जो भूमध्य सागर की तरफ से जाता हुआ जो एक आगे बढ़ता है, तो आपका आ जाता है ये अफ्रीका के तरफ। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दोस्तों, अफ्रीका सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल के सटा हुआ जो आपका अटलांटिक महासागर है, वही आपका आगे प्रवाहित होकर के अटलांटिक महासागर के पश्चिमी मतलब जो है
अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये प्रवाहित होती है जलधारा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी किनारी जलधारा, ठंडी जलधारा है, और आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ही आगे बढ़कर के जाती है, ये पश्चिम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में से मिलती है, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है अपने दाहिने तरफ टर्न करते हुए भूमध्य रेखा की तरफ चला आता है, ये उसी का विस्तार है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कैसी ठंडी प्रवाहित होती है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, एशिया अफ्रीका के तट के निकट होती है, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होती है, क्लियर। माफ़ी चाहेंगे आपसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल की प्रकृति में दैत्यवाद निम्न में से किस में है, दैत्यवाद किस में है, ठीक है, दैत्यवाद के बारे में पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, दैत्यवाद के बारे में पूछा है, इसमें कहा है। तो दैत्यवाद के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दैत्यवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर दो शाखाएँ, ठीक है, कम से कम दो शाखाएँ मिली हुई हों, तो क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल जो आपका है, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ये द्वैतवाद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कौन आता है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल प्लस मानव भूगोल, मैं कहता हूँ इसको बनाम आप कर लीजिएगा, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, ये भी द्वैतवाद के अंतर्गत आता है, द्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत। फिर प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल भी द्वैतवाद के अंतर्गत, तो दोनों में से कोई ऑप्शन में होता तो हो जाता, ऑप्शन में आपका प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल है तो ये सही हो जाएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भी होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। कॉस्मोग्राफ शब्द की रचना किसने की थी, ठीक है, ये शब्द है कॉस्मोग्राफ की, शब्द की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो इसकी जो रचना की थी वो हम्बोल्ट महोदय ने की थी दोस्तों, हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफ शब्द की रचना इन्होंने सबसे पहले की थी, ठीक है। तो इतना इसके लिए है। और आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी माने जाते हैं, ये भी जान लीजिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं कौन, हम्बोल्ट महोदय आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। और भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और वनस्पति भूगोल के विकास में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। कह रहा है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करते हैं तो 5 जून सभी को पता है दोस्तों, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे भारत में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर से के आसपास की वर्षा जो हो रही हो वहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो असम वाले क्षेत्र में तो वर्षा होती ही होती है, उड़ीसा में भी चक्रवातीय मौसम में भी देखिए हर मौसम में वर्षा होती है, पश्चिम बंगाल में, तो सभी क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। और यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग करीब 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, ऐसी जलवायु यहाँ मिलती है। फिर इसके बाद में आपको पश्चिमी घाट पर मिलेगी, आपको पूर्वी हिमालय के निचले हिस्से वाले ढालों पर वहाँ पर मिलेगी आपको, ये सब जगहों पे आपको मिलेगा, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष मिलेंगे आपको। अगला 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आता है, तो निर्माण उद्योग जो है द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आपको आएगा, ये तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, पहले से पता रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा हुआ है, तो हिमानी अपरदन द्वारा किन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है ये आपको देखना है, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। तो ये देखिए, हिमानी के द्वारा दो तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक अपरदन और दूसरा निक्षेपण। क्या होता है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ आपको, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक तो क्या अपरदन वाल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और दूसरा आपका पड़ेगा निक्षेपण। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में अगर हम बात करेंगे तो आप जान लीजिए, यू आकार की घाटी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या आएगा, यू आकार की घाटी आ जाएगी आपकी, लटकती घाटी आएगी आपकी, सर्क आ जाएगा आपका, हार्न हो जाएगा, ठीक है, नुनाटक है, भेड़शिला है, ध्यान समझिएगा, भेड़शिला है, हिमसोपान है, फ्योर तट है, पैटरनास्टर झील है, पिडमांड झील है, एरीट है, ये सब क्या हैं, हिमानी के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आता है। अब हिमानी के निक्षेपात्मक स्थलाकृति के अंतर्गत निक्षेपण या निक्षेपात्मक निक्षेप
निक्षेपात्मक निक्षेपात्मक अस्थलाकृतियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हिमोड़ हो जाएगा, ड्रमलिन 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 हो जाएगा, केम हो जाएगा, एस्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, एस्कर हो जाएगा, ठीक है, केम केम हो जाएगा, एस्कर हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। केम होगा, एस्कर एस्कर हो जाएगा, ये सब क्या है, निक्षेपात्मक अस्थलाकृति। तो अच्छी तरीके से दोस्तों वीडियो दो चार बार देख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपसे अगर इससे रिलेटेड कुछ आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किन निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है, ठीक है, अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की दोस्तों, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आबादी जो है किसकी है, वो इलाहाबाद की है, ये आपको पहले से पता रहा होगा। 2011 की जो जनगणना कह रही है वो क्या कह रही है, लगभग 59 लाख के करीब में, 59,54,000 के करीब में आपका इलाहाबाद की जनसंख्या है, मुरादाबाद की 47.72 लाख करीब में जनसंख्या है, और गाजियाबाद की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 46.81 लाख जनसंख्या है, और आजमगढ़ की 46.13 है। इसी तरह से लखनऊ की जो बात करेंगे तो 45,13,000 के करीब में इनकी जनसंख्या है, 45,13,000। तो ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें बात पूछी गई है वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि सावर है, डेविड हैं, हटिंगटन हैं और हर्ट्सोर हैं। तो हर्ट्सोर इसमें से देखिए ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो किसी एक ऑप्शन को हम काट देते हैं दोस्तों, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करते देते हैं। इसमें होगा बोवेन महोदय जो हैं, इन्होंने जो है वर्षा की संकल्पना का प्रतिपादन किया, वर्षा की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले बोवेन महोदय हैं, ठीक है, और इनका पूरा नाम था ईजी बोवेन, क्या है, ईजी बोवेन ने प्रतिपादन किया था इसका, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कौन था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस कुछ यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण हैं दोस्तों, तो ऑप्शन मैं थोड़ा करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये दूसरे का ऑप्शन हो गया है, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा दोस्तों। सावर हैं, डेविड हैं, ऑप्शन अगर ले लेते हैं, कुछ और एक आधा ऑप्शन ले लेते हैं, बात कर लेते हैं हार्ट्सोर की बात कर लेते हैं, और किसी की भी ले सकते हैं आप, हार्ट्सोर की बात कर लेते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसकी है ये ऑप्शन, अगर आपके पास हो तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से आप अपना जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो भूदृश्य आकृति कालक्रम विज्ञान मानने वाले भूगोलवेत्ता कार्ल सावर हैं, ठीक है, सावर कार्ल सावर महोदय जो हैं ये भूदृश्य आकृति विज्ञान मानने वाले भूगोल को भूदृश्य आकृति आकारिकी मानने वाले कार्ल सावर महोदय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन में हमने ये रखा है, ठीक है। अगला है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कहा जाता है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को कहा जाता है। अब ऑप्शन जो पहले था दोस्तों वो ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, बट इत्तेफाक से नहीं है, तो ऑप्शन मैं इसका बदल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग करिए इसको जो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपवादवाद कर दिया मैंने ऑप्शन पहला एक, दूसरे ऑप्शन में होगा क्षेत्रीय अध्ययन, और तीसरा हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है, इसके अंतर बताइए, तीन ही में से ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा दोस्तों, जो बताना चाहें बिल्कुल बताएं, ठीक है। तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के अंतर्गत जो है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी क्षेत्रीय अध्ययन। तो दोस्तों इसमें से जिसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी त्रुटिपूर्ण हैं, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ मित्रों, ये ऑप्शन यहाँ ये नहीं होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया था अभी अपवादवाद,
ठीक है, अपवादवाद ले लेंगे और क्षेत्रीय अध्ययन ले लेंगे, अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन ले लेंगे और क्रमबद्ध ले लेंगे, क्रमबद्ध भूगोल, ये तीन ऑप्शन में से ही कोई कर लेते हैं, ठीक है, इसी में से कोई करेक्ट है, ठीक है, जो बताना चाहें बताएं। वैसे जान लीजिए यहाँ पे क्षेत्रीय अध्ययन होगा, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को का प्रतिपादन जो किया गया है वो दिया गया है, उसका अर्थ है क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को क्षेत्रीय अध्ययन की अवधारणा के अंतर्गत लिया जाता है, आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान, जैविक उद्यान स्थित है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड हो गया है दोस्तों, तो ये वाला जो है ये अलग क्वेश्चन का है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए है, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान, ऑप्शन भी यहाँ पर देखिए इसके लिए दे दिया है दोस्तों, या मैं यहाँ से हटा दूँ, ये भारत का ये वाला जो क्वेश्चन आपका है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, नगरीकृत राज्य है तो इसमें दे दिया है ऑप्शन यहाँ पर, तो ये नगरीकृत को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया है ये, यहाँ से भारत का सर्वाधिक नगरीकृत की बात करेंगे तो सबसे नगरीकृत जो है आपका गोवा है दोस्तों, तो गोवा आप जान ही रहे हैं सबसे आधुनिक, लगभग 62.2% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या रहती है, इसके बाद में आपका 52% के साथ मिजोरम है, फिर इसके बाद में तमिलनाडु 48% के साथ तमिलनाडु का स्थान आ जाएगा, 47% के बाद उसके बाद केरल का स्थान आ जाएगा, केरल आपका पड़ेगा, और महाराष्ट्र 45% के साथ महाराष्ट्र है, ठीक है, ये नगरीकृत की बात, नगरीकृत शहरों की बात हो रही है या राज्यों की बात हो रही है, महाराष्ट्र, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपका गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, कॉसमस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी थी, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कॉसमस नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, ये हम्बोल्ट महोदय की रचना है, हम्बोल्ट ने लिखी है कॉसमस नामक पुस्तक जो लिखी है वो हम्बोल्ट ने लिखी है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला है लैकोलिथ और फैकोलिथ, ठीक है, दो संरचनाओं के बारे में बात कर रहा है, लैकोलिथ और फैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ और फैकोलिथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी जो संरचनाएं हैं, तो लैकोलिथ और फैकोलिथ की संरचना के संदर्भ में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, ज्वालामुखी के द्वारा अवसादी चट्टानें जो हैं, अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों में ये चीज़ें पाई जाएंगी आपकी, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में आप जानते हैं कि मैग्मा जब धरातल को तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तब तो लावा बन जाता है, ठीक है, लेकिन जब मैग्मा निकल करके धरातल के निचले हिस्से में या करके फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो इसी संरचना को ही क्या कहा जाता है, लैकोलिथ, लैकोलिथ की संरचना कहलाती है। और जब मैग्मा शाखाओं के रूप में ऐसे ऐसे दरारों में भर जाता है धरातल से काफ़ी नीचे ही संरचना जो बनी रहती है वो आपको फैकोलिथ की संरचना कहलाती है, फैकोलिथ की संरचना कहलाती है। तो आप बहुत बारीकी से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लैकोलिथ और फैकोलिथ में क्या अंतर है, लैकोलिथ भी धरातल के अंदर की संरचना है और फैकोलिथ भी धरातल के अंदर की संरचना है, लेकिन अंतर ये है कि ये दरारों के माध्यम में मिलता है, ठीक है, और बाकी लैकोलिथ जो है वो धरातल के नीचे आकर के मिलता है आपको, चट्टान के नीचे वाले हिस्से में आपको मिलेगा, और कभी कभी ये चट्टानें ऊपर जब दरारें निकल जाती हैं तो ये दिखाई देने लगता है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये किस में मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखलाओं में बात करेंगे सबसे नवीन आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन बात करेंगे आपको तो कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसके साथ ही जानते हैं आप लोग कि किस पर्वत निर्माणकारी घटना के द्वारा किस पर्वत का निर्माण हुआ, तो चार तरह की पर्वत निर्माणकारी घटनाएँ हुई हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको, चर्नियन हलचल आपने सुना है, कैलिडोनियन हलचल, ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, फिर हर्सिनियन हलचल है, हर्सिनियन और अल्पाइन हलचल है, अल्पाइन के नाते के कारण से ही अल्पाइन के सबसे इंपॉर्टेंट आपका पड़ता है अल्पाइन हलचल, जिसमें आप देखें कौन कौन सी पर्वत निर्माण हुआ है, राखी पर्वत का नाम निर्माण हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, पेरनीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ये सब किसके अंतर्गत, अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत हुआ है, ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय, यहाँ पूछा कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय हो जाएगा। इसी में अगर बात करेगा कि हिमालय हो गया, राखी, एंडीज, ये सब नई पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत, तो उनमें सबसे जो नवीन है ये आपकी क्या है, वो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है।
कुल्लून वगैरह है, अल्प्स, ये सब चीज़ें जो हैं कुल्लून पर्वत श्रेणी जो है, ये राकीज एंडीज, अल्प्स, कुल्लून, ये सब चीज़ें पर्वत श्रेणी, हिमालय, ये सब जो किसके अंतर्गत हुई हैं, अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत हुई हैं, ठीक है, अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत हुई हैं ये चार जो श्रेणियाँ बटी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है, घास तथा दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी मतलब दोनों हो जाएंगे, शाकाहारी मांसाहारी यानी सर्वाहारी, सॉरी इसमें शाकाहारी मांसाहारी नहीं देखे कह रहा है, सर्वाहारी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बात क्या कह रहा है, शाकाहारी की बात कह रहा है, कह रहा है कौन सा जीव भोजन के लिए घास तथा दोनों, घास तथा इसमें यहाँ पे घास नहीं होना चाहिए दोस्तों, घास के अलावा भी होना चाहिए, यहाँ पे मांस भी होना चाहिए, घास और मांस, ठीक है, दोनों पर निर्भर करते हैं, तो इस तरह से आप करेंगे सर्वाहारी जीव, दोनों ही प्रकार के जीव का प्रयोग जो करते हैं वो किसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे, मांसाहारी के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछ रहा है इसमें दोस्तों, तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 7817 मीटर है, ठीक है, और उत्तराखंड का जो गठन हुआ है तो आप जान रहे हैं 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया है, और सबसे पहले राज्य 1 नवंबर को जो है, 1 नवंबर की डेट में किसका, 1 नवंबर में जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है, छत्तीसगढ़ का, और 15 नवंबर को दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, सभी 2000 में हुए हैं, एक नवंबर है जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है, 9 नवंबर को आपको उत्तराखंड का निर्माण किया गया है, 15 नवंबर को आपको झारखंड का निर्माण किया गया है, ठीक है, तो ये संरचना आपकी हो जाएगी, और यहाँ इसके लिए नंदा देवी इंपॉर्टेंट था आपका, नंदा देवी हो गया आपका, सबसे सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। अगला है दोस्तों, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जलमार्ग आपको सबसे मालूम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जलमार्ग है सबसे सस्ता परिवहन साधन। हीरा एक कायांत्रिक चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है, तो कार्बन है दोस्तों, कार्बन, और कार्बन की बात करेंगे तो कोयला भी कार्बन होता है, तो कोयला हो जाएगा, ठीक है, कोयला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया है दोस्तों, तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, अर्निज नेस ने किया है इसका दोस्तों, अर्निज नेस हो जाएंगे, गहन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया है, किसने किया है, गहन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग अर्निज नेस ने किया है, गहन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है, ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसे पढ़ा जाता है, तो आदिवासी भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति भूगोल, कृषि भूगोल, ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आपका है, अंतर्गत आता है, तो देखिए जान लीजिए, कृषि भूगोल आपका किसके अंतर्गत, मानव भूगोल ने अभी आपको बताया था, आदिवासी भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये तीनों आपके किसके अंतर्गत आएंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत, तो भू आकृति जो है, भू आकृति विज्ञान जो है, भू आकृति भूगोल या विज्ञान जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। और तापीय विलोमता शब्द से क्या तात्पर्य, यहाँ पर शब्द होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द, तापीय विलोमता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो तापीय विलोमता शब्द से जो तात्पर्य है दोस्तों वो क्या है, ये शब्द है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपका शब्द है, शब्द, तापीय विलोमता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो देखिए तापीय विलोमता का क्या है, ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान घटने लगता है, जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, इस तरह से क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ तापमान जो है वो घटता नहीं है, तापमान घटता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, यही तापीय प्रतिलोमता कहलाता है, ठीक है, यही तापीय प्रतिलोमता कहलाता है, ठीक है,
और इसमें देखें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगेगी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगेगी। हाँ, यही जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक पाई जाती है, तो किस राज्य में सबसे कम पाई जाएगी दोस्तों, तो पंजाब में। देखिए पंजाब से लेकर के दोस्तों असम तक का जो क्षेत्र है पूरी तरह से जलोढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब से असम तक का जो क्षेत्र है जलोढ़ क्षेत्र है आपका। इसके अलावा जितने भी नदी घाटी डेल्टाई क्षेत्र हैं वो सब भी तमिलनाडु बिहार ये सब भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसकी डिटेल देखने के लिए आपने डिटेल वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, सभी सब्जेक्टों की ज्योग्राफी की और पॉलिटी की आपकी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें मित्रों तो एक अच्छी सुविधा आपको वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, आप वहाँ से कृपया देख लें। छिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पेड़ बचाओ आंदोलन से था, तो बिल्कुल जवानी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है, केरल करने वाला। ये लगभग करीब में आपका भारत में जो रबर का उत्पादन है 88.5% जो है रबर का उत्पादन अकेले और अकेले 88.5% रबर का उत्पादन केरल करता है दोस्तों। ठीक है, और ये विश्व में लगभग 10% रबर का उत्पादन भारत में किया जाता है, ये बात जान लीजिए। भारत में 10% तक का रबर उत्पादन होता है विश्व का, और सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करने वाला दोस्त देश जो है थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड सबसे नंबर एक स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेपा नगर किस उद्योग से संबंधित है, तो अखबारी कागज़ के लिए नेपा उद्योग, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर है जो अखबारी कागज़ के लिए फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चीन में स्थित है वुहान। आप भी देखिए कोरोना के जो वुहान के बारे में जो देखा था हम लोगों ने, वो यहीं पर आप लोगों को मिला था कि कोरोना वैक्सीन वगैरह जो कोरोना जो बैक्टीरिया वायरस जो निकला था वो वुहान शहर से ही था। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ भी और भी जान लीजिए कि ये मध्य यांगटीसी क्यांग की जो घाटी है, ठीक है, में लियांग हु बेसिन में स्थित है ये, लियांग हु बेसिन। ठीक है, यांगटीसी क्यांग नदी के की लियांग हु बेसिन में स्थित है आपका वुहान शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो 1985 में किया गया था। ठीक है, और 1990 में, ठीक है, 1990 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय गंगा जो आपकी हैं गंगा नदी को, सॉरी 1985 में आपको क्या किया गया था, गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और 2009 में क्या किया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, याद रखिएगा राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये बात थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और 2015 से जब से सरकार की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी है तब से ये विशेष तौर से गंगा पर विशेष ध्यान भाजपा की सरकार इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतकरण का परिणाम नहीं है, टर्शियरी युग के पर्वत का निर्माण का क्रम नहीं, टर्शियरी युग की पर्वत घटना के बारे में अगर हम देखेंगे तो टर्शियरी युग के अंतर्गत आपका जितनी भी पर्वत निर्माणकारी चीज़ें हुई हैं वो अल्पाइन पर्वतीकरण टर्शियरी युग की घटना है दोस्तों। टर्शियरी युग में ही अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि टर्शियरी युग में परिणाम नहीं है, तो कुनलुन पर्वत श्रेणी टर्शियरी युग की है, आल्प्स पर्वत श्रेणी भी टर्शियरी युग की है, एंडीज पर्वत श्रेणी भी, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल किया था राखी, एंडीज, पेरनीज, हिमालय, ये सब तमाम सारी जो पर्वत श्रेणी है, कुनलुन वगैरह हैं, ये सब किसकी हैं, टर्शियरी युगीन हैं। आप लोग इसमें से हमारे पास ज्योग्राफी का जो वीडियो है उसमें आप देख लेंगे, तो पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के बारे में मैंने अच्छी तरीके से उसमें चर्चा की है दोस्तों। और कितने कालखंडों में बांटा गया है, आर्कियोजोइक इरा को देखेंगे आप, आर्कियोजोइक इरा है, पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, नियोजोइक है, इस तरह से पांच महाकल्पों में जो बटे गए हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो आपका पेलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक, इसी को ही पेलियोजोइक को प्रथम काल कहा जाता है और मेसोजोइक को आपका जो है द्वितीय काल, सेनोजोइक को आपका तृतीय काल कहा जाता है। ठीक है, इसी तृतीय काल के अंतर्गत ये निर्माण हुई है, पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई हैं। और इसमें ही अगर बात करेंगे हरसिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित जो है अप्लेसियन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, जो कि ये आपकी अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो टर्शियरी युग में इसका नहीं हुआ है, इसके पहले के युग में इसका हुआ है, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का सबसे कम प्रादेशिक भूगोल का कोर यह कह रहा है, तो इसमें से कह रहा है कि ऑप्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा नहीं ठीक है, जलोढ़ मृदा वाला हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों, आगे क्रम में जलोढ़ मृदा का हो गया है, तो हम लोग यहाँ का देखें। प्रादेशिक भूगोल का कोर है, किसे माना जाता है, प्रादेशिक भूगोल का कोर क्या है, प्रादेशिक भूगोल का कोर
इसमें अगर कहेंगे तो देखते हैं हम लोग प्रादेशिक बोर्ड का कोर कहाँ बनता है। तो प्रादेशिक भूगोल का कोर के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रादेशिक भूगोल का कोर क्या है, तो ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन में हमारा जो दे रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है डिकेड डिकेंस का, हर्टसोन का नहीं, ये ब्लास महोदय का है। ब्लास ऑप्शन में ज़रूर होंगे आगे, देखिए जी हाँ ब्लास लिखा है यहाँ, ब्लास या ब्लास ये सही है आपका, ठीक है ब्लास, वैसे नाम इनका है ब्लास महोदय, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल को क्रोड भूगोल किसने कहा है, तो ब्लास महोदय ने। ब्लास महोदय को ही मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, किसका, मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है, ब्लास को, बिडला डीला ब्लास को। संभववाद का विचारधारा का जन्मदाता एवं संस्थापक माना जाता है, किसको, मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद के विचारधारा का जन्मदाता, किसके, संभववाद, संभववाद, संभववाद विचारधारा का जन्मदाता, और किसे, प्रादेशिक भूगोल का भी जन्मदाता है, संस्थापक इन्हें माना जाता है, ब्लास महोदय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस महासागर से प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल आप देखेंगे गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है ये, और ये आप जानते हैं कि ये फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है फ्लोरिडा की जलधारा, और इसके बाद में आप देखेंगे एंडलीज की जलधारा से मिल करके ये अमेरिका के जो जो पूर्वी तट है वहाँ से निकलती है, ये प्रवाहित होना शुरू करती है, ठीक है। और जलधारा मिल करके समिष्ट होकर हैटरस द्वीप जो पड़ता है यहाँ पे, हैटरस द्वीप से होकर ग्रांड बैंक जो पड़ता है आपका कनाडा के, उस तटों तक ये प्रवाहित होती हुई आगे प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसी के कारण से ही अब इसका विस्तार यहाँ तक है कि ये नॉर्वे अमेरिका के सॉरी यूरोप के पूर्व जो देश हैं नॉर्वे तक ये पहुँच जाती है जलधारा, और वहाँ के तटों को ये गर्म जलधारा मतलब जो बर्फ़ को पिघला देती है, तो वर्ष भर जो है वहाँ नौका गमन आसानी से हो जाता है। तो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इस जलधारा का पूरा रोल रहता है। तो अमेरिका के पूर्वी तट की बात करें और यूरोप के पश्चिमी तट को जीवन दान देने वाली ये जलधारा है, बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा गल्फ स्ट्रीम की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, ठीक है, तो कहाँ पर खोदी गई थी, भारत की पहले कोयला खदान जो थी वो कहाँ पर खोदी गई थी, रानीगंज है, धनबाद है, असमोल है, झोल है, तो कहाँ पर हो गई थी, तो पहले रानीगंज में, नंबर एक है आपका रानीगंज ऑप्शन है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपको, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस महाकल्प ट्रियासिक जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है, ठीक है, किस महाकल्प को, ये अभी मैंने बात की थी, इसमें से किस काल को आप बात करेंगे, तो किसको तीनों में बांटा गया है, तो मेसो जो मैंने क्या कहा था, पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, नियोजोइक है, तो इसमें से ट्रियासिक जुरासिक और की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें बांट जाएगा सेनोजोइक महाकल्प को बांटा गया है इसमें से दोस्तों, किसको तीन कालों में बांटा गया है, इसमें सेनोजोइक महाकल्प को बांटा गया है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, सेनोजोइक नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा मेसोजोइक का, ठीक है, सेनोजोइक नहीं मेसोजोइक होगा दोस्तों, जिसमें ट्रियासिक है, जुरैसिक है, क्रिटेशियस, इसको यहाँ पर कामा लगा करके होना चाहिए था, ये तीनों ट्रियासिक है, जुरैसिक है और क्रिटेशियस है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए आपको, तो यहाँ पर ट्रियासिक है, जुरैसिक है, जुरासिक है और क्रिटेशियस है, ये जो है मेसोजोइक के हैं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन से असम में स्थित है, ठीक है, भारत की झीलों में से कौन सी असम में झील स्थित है, तो भारत में है चपनाला झील जो है ये आपकी असम में स्थित है, चपनाला झील, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, चपनाला झील जो आपकी असम में स्थित है, झील जो है चपनाला झील असम में स्थित है, ठीक है, और इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण झील आपकी बन जाती है चपनाला झील असम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही आसान है, परिप्रशांत महासागर पेटी में भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कि आपका जापान वगैरह जिसी नाते कारण कहा जाता है कि ये परिप्रशांत महासागर पेटी में ही पड़ता है, इस नाते सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं, ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। और 50वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भूगोल जो लास्ट क्वेश्चन आज का, भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्र वितरण विज्ञान है या कथन किसने कहा है, ठीक है, इसको कहा हेटनर महोदय ने किया है, हेटनर होना चाहिए दोस्तों, हेटनर महोदय ने सबसे पहले क्या किया है,
ये भूगोल का जो है क्षेत्रीय विवरण विज्ञान के रूप में जाना है, क्षेत्रीय विवरण विज्ञान, विवरणी विज्ञान के नाम से जाना जाता है, किसे, इसी को ही जाना जाता है, हेटनर महोदय ने कहा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से ये आपका पहली सीरीज जो है 50 क्वेश्चंस की कंप्लीट हो गई, और आप लोग इसको तैयार करिए अच्छे से, और ये एग्ज़ाम में निश्चित तौर से इसकी डिटेल जो हमने बताई है ये ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों कि बहुत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और मिलते हैं फिर दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।